आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाजार विद आयुष, और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक शेयर की बारे में। तो दोस्तों यस बैंक शेयर में अभी 2-3 दिनों से मुनाफा वसूली चालू है, पर शेयर 15 के लेवल्स पे टिका हुआ है। तो अगले हफ्ते यानी मंडे से आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और एक्सपायरी से पहले ये शेयर कितना बढ़ सकता है, तो पूरी बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारना मत भूलना। दोस्तों अगर यस बैंक की बात करें तो देखिए 15.55 की क्लोजिंग दी है, -20 पैसे गिरा है और -1% के इसमें नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। लेकिन दोस्तों अगर शेयर की बात करें तो शेयर ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया है, शेयर वाली गिरा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शेयर और बढ़ सकता है, क्योंकि शेयर में अभी बहुत अपना जो बुरा समय था इसमें थोड़ा बहुत गुजर चुका है। शेयर के देखिए आप अगर बात करेंगे इनके CEO की, तो वो चेंज हो गए, उन्होंने दिखाया है कि हाँ हम कंपनी को आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और हम शेयर धारकों का बिल्कुल पैसा डूबने की कोशिश बचाएंगे। देखिए तभी जब इसका FPO आया था तो ये बहुत अच्छी पहल करी थी कंपनी ने ताकि पैसा जुटा सके और इस कंपनी को राहत मिल सके। तो देखिए दोस्तों अगर आपने इसमें बाय नहीं किया है तो मुझे लगता है एक बार 15 तक गिरेगा ये शेयर, फिर 15 से बाय करके चलिए। अगर 15.55 से आगे बढ़ जाता है तो मुझे लगता है आपको अगले हफ्ते तक 17 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट बाइंग होगी, 17 तक ये शेयर जाएगा, 17 से मुझे लगता है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली फिर आएगी। तो अभी शेयर थोड़ी बहुत कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे लगता है 17 से जिसे ही अपना लेवल 17.50 या फिर 18 पार कर देगा तो मुझे लगता है ये शेयर 22 रुपये तक भाग सकता है। ये शेयर 22 रुपये तक जाना चाहिए, मुझे लगता है अगले सितंबर तक इसको 22 से 23 रुपये के लक्ष्य के लेके अगर आप खरीद के चलेंगे तो मुझे लगता है आपको इसमें मुनाफा ही होगा, घाटा की कोई बात नहीं है। और देखिए एक पहली बात, शेयर प्राइस देखिए, सबसे बड़ी बात शेयर की प्राइस देखिए। अगर 15 रुपये कोई शेयर है तो इसमें आप क्या गंवा सकते हो? शेयर 5 रुपये गया था लेकिन 5 रुपये से 15 रुपये भी आ चुका है, ये आप सोच के चलिए। जितना शेयर गिर सकता था वो गिर चुका है, अब मुझे लगता है शेयर में आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। क्योंकि शेयर पे आप बात करेंगे तो देखिए FPO में लोगों ने पैसा क्यों डाला, क्योंकि उनको विश्वास था कंपनी में कि हाँ कंपनी कर सकती है। और शेयर्स ऐसे ही चलेंगे अगर थोड़ा सा बस आपको अपना पेशेंस को रखना है, पेशेंस रखेंगे तो देखिए हर शेयर चलता है। अगर पेशेंस ना होगा तो देखिए जिस दिन गिरावट आएगी उस दिन आप सबको बेचने की भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको अपना पेशेंस रखिए। आप शेयर हर शेयर कमा के देगा, बस थोड़ा सा अपना पेशेंस कूल रखिए। तो दोस्तों मुझे लगता है इसको बाय करके चलिए 15 के लेवल्स पे और आपको अगले हफ्ते तक 17 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर इसके हम चार्ट करें एक मंथ की बात करें, हम एक चार्ट देखिए इसके एक महीने की, तो ये अपना 20 से गिर के चालू हुआ, तो -19% रिटर्न्स दिए हैं। उससे कोई खराब बात अभी देखिए है नहीं कि शेयर बड़ा है। यहाँ से आप देखिए यहाँ से तो एक लाइन अच्छी ऊपर ही जा रही है, तो यहाँ से शेयर मुझे लगता है अब और बढ़ सकता है और 20 तक के टारगेट्स आपको बस अपना इसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तब जाके शेयर मुझे लगता है बढ़ेगा। तो आप दोस्तों बाय करके चलिए इस शेयर को, बाय की रेटिंग रहेगी यहाँ पर और शेयर को 22 तक के टारगेट्स अगले महीने तक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।